हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएसएस स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका टर्म सेकंड का एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो एसएसटी के रिगार्डिंग रहेगी। इसमें हम कुछ मेन मेन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। और हिस्ट्री के बारे में आपको एक बात और बता दूँ, हिस्ट्री की बुक में जो जो नए शब्द लिखे होते हैं ना उनका मीनिंग बताना होता है। तो पहला यहाँ पर है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, मतलब जो इंडिया है ना, ठीक है, इंडिया में जो ना कौन कौन से जो है ना कॉजेज हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। तो कौन कौन है, जैसे लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओशन है, ठीक है। तो ये है कारण, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब, इस प्रकार है। फिर ये एक नॉर्मल जनरली जानो कि भारत की मानसूनी प्रकार की जलवायु का क्या करना, मतलब भारत की जो जलवायु है ना वो मानसूनी है, वो क्यों है, मतलब इंडिया की जो इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो मानसून टाइप है, क्यों? क्योंकि आप बताओगे इंडिया हैज मानसून क्लाइमेट बिकॉज देयर इज अ सीजनल रिवर्सल इन द विंड सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में ना जो हवाएं है ना, हवाएं वो सीजनल है, ठीक है। तो उसके अनुसार उस सीजन के अनुसार उसमें चेंजेस आता रहता है। तो जो मेन कारण है इसकी वजह से भारत में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो हिंदी में जैसे मैं बोलूँ तो आप इतना बता देना कि भारत में जो जलवायु है ना वो मानसूनी इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो पवने है ना वो मौसम के अनुसार ही अपनी दिशा को बदल लेती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तट पर ना वर्षा शीत ऋतु में क्यों होती है। देखो जब पूरे भारत के अंदर इतनी सर्दी पड़ रही होती है तो तमिलनाडु में उस समय बारिश हो रही होती है, आखिर क्यों? तो आप बताना, पीछे हटते मानसून की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब पवने धरातल से समुद्र की ओर जाती हैं, जमीन से समुद्र की ओर जाती हैं, तो वह सूख जाती हैं और स्थल भाग पर वर्षा नहीं करती, इसलिए स्थल भाग पर बारिश नहीं होती। और जिस समय ये पवने बंगाल की खाड़ी पर पहुंचती है तो इसमें आर्द्रता आ जाती है, पानी आ जाता है, और जिसकी वजह से ये जो है ना शीत ऋतु में जो है ना फिर तमिलनाडु इसमें बारिश करने लग जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि शीत ऋतु में तमिलनाडु में बारिश क्यों होती है, ठीक है, तो आप बता देना कि मैंने मेन मेन आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी आपने लर्न किया तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब मैं ना देखो ये इसमें देखो आप ये अलग क्वेश्चन भी कर लेना कि ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषताएं होती हैं, शीत ऋतु की क्या होती है, और मानसून का आना और मानसून का पीछे हटना क्या है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर है शीत ऋतु की क्या खास बात है, तो नवंबर से फरवरी में होती है, ठीक है, दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर घटता जाता है, और चेन्नई का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 24 से 25 डिग्री होता है और दिल्ली का जो है 10 डिग्री के आसपास एवरेज होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ना वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे पहाड़ के एक ओर जहाँ बादल होने की वजह से बारिश होती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ जब बारिश नहीं हो पाती तो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ऐसे डियर स्टूडेंट्स, आप ना मानसून किसे कहते हैं तो आप बता देना, मानसून जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, अर्थात जिसका मतलब होता है ऋतु, ठीक है। और मानसून भारत में एकता का परिचायक है, मतलब पूरे भारत को एकजुट कर देता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप बता देना कि ये बिल्कुल सत्य है कि भारत में जो मानसून है ना वो एकता का परिचायक है, मतलब यूनिफिकेशन का काम करता है, क्योंकि भारत में इसी के अनुरूप जो है ना वो त्यौहार मनाए जाते हैं, इसी के अनुरूप जो है फसलें जो है वो तैयार की जाती हैं, और जो पूरे भारत को एक एकता के सूत्र में बांध ही रहता है, ठीक है। बाकी आप बुक से थोड़ा और इसे पढ़ लेना। और एक आता है जो है शीत ऋतु की क्या विशेषता है, ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषता है, मतलब गर्मी की खास बात क्या होती है, तो आप थोड़ा नॉर्मल लोकल मत देखना कि इसमें आइसक्रीम खाते हैं, ये ऐसे नहीं। तो जैसे आप ये बताना कि ग्रीष्म ऋतु है तो ये अप्रैल में जून तक जो है वो चलती है, जैसे कहीं बुक में मार्च लिखा तो मार्च से लिखना, ठीक है, मार्च से जून तक चलती हैं।
और इसमें बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे लू का आ जाता है, ठीक है, और इसमें जो है काफ़ी शुष्क मौसम हो जाता है, और इस तरीके से आप बता देना। और पूरे उत्तर भारत में लू चलती है ऐसे, तो ऐसे शीत ऋतु कब हो सकता है? पीछे लौटता मानसून आ सकता है आपके घर में, ठीक है, और भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसम राम में होती है, और सबसे कम जो है वो राजस्थान में या रेगिस्तान जैसे इलाकों में होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। और जैड धराएं किसे कहते हैं? तो जो धरती से 12 किलोमीटर ऊपर या 12,000 मीटर ऊपर जो हवाएं चलती है ना, एक गर्मी में अलग इसकी स्पीड होती है, सर्दी में अलग होती है, तो उन्हीं हवाओं को जो है ना जैड धाराएं कहते हैं। ऐसे ही एल नीनो आ जाता है, तो आप बता दें पानी की गर्म जल धारा होती है, उसे एल नीनो कहा जाता है। जो पेरू है ना, पेरू वहाँ पे जो ठंडी जल धारा होती है, तो तभी अचानक वहाँ पर जो है गर्म जल धारा आती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? एल नीनो कहलाती है। बाकी अगर आप बुक से और अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखिए अब हम जो थोड़े से क्वेश्चन है ना वो चैप्टर नंबर 5 से कर लेते हैं, ठीक है। और चैप्टर 5 में ना एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि सरकार ने जो है ना इन जो जीवों की रक्षा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, ये बुक के लास्ट पेज पर देख लेना, लास्ट पैराग्राफ में पॉइंट्स में लिखा होगा, ठीक है। तो सरकार ने, जैसे देखो, सरकार ने जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए क्या किया? उन्होंने जैवमंडल नीचे बनाया है, ठीक है, वन कानून बनाया है, ठीक है, लोगों को अगर जो नियम वन से संबंधित है कि अगर वो उनका पालन नहीं करते उनको सजा दी है, ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि इस पे जो है ना वनस्पति के जो प्रकार है वो आपको 5 पता होना चाहिए, वेजिटेशन के टाइप 5 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है जिसको हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं हमेशा हरे भरे रहते हैं, अपनी पत्तियाँ कभी गिराते नहीं है, है ना। तो ऐसे ही दूसरा होता है डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर और 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है ना। तो आपको एक तो वो अच्छे से सारे कर लेने, मैंने उसके बारे में ना जब मैंने प्रैक्टिस पेपर करवाया था KVS का, जो ओरिजिनल पेपर हुआ था जो, तो उसमें मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो अब बाकी इसमें हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। और टूंड्रा वनस्पति आपको पता है ना क्या होती है? टूंड्रा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं ना, तो ये वहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं जिनकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं, तो टूंड्रा वनस्पति कहलाती है। मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है ना जहाँ पे जीव जंतु जो होते हैं वो इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं, ठीक है, जिसमें उनका आपस में संबंध होता है और जीवन को वो संभव बनाते हैं, तो उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल, आप देखिए आपने देखा होगा, तालाब देखा होगा, आपने बगीचा देखा होगा, तो उसमें जो जीव जंतु वो आपस में इस प्रकार से क्रिया करते हैं कि वो जीवित रहते हैं, है ना। तो वही पारिस्थितिक तंत्र है, इको सिस्टम होता है। तो इको सिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट है ना वो प्राकृतिक है, उसमें जीव जंतु आपस में जो संबंध बना रहे हैं, जीवन को संभव बना रहे हैं, वो नेचुरल है। लेकिन अगर आपने कोई बगीचा बनाया तो वो क्या है? आर्टिफिशियल है, मतलब मानव निर्मित है, ठीक है। तो और जैसे क्वेश्चन सर में आगे पारिस्थितिक तंत्र क्या, आप आराम से ना सिंपल लैंग्वेज बोल देना, एक ऐसा तंत्र जिसमें पेड़ और पौधे जो होते हैं वो इस प्रकार का संबंध बनाते हैं कि जो जीवन को संभव बनाए, वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए ना जीवमंडल नीचे क्या है, तो आप बता देना ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जीव जो जंतु होते हैं ना उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, उनका संरक्षित रखा जाता है, उनको रक्षा की जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हाथी, बंदर, लंगूर, इनकी रक्षा की जाती है, ठीक है। तो बाकी देखो सपोर्ट में मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब मैंने पेपर समझाया था उसमें और अच्छे से बताया था मैंने, बाकी इसमें भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे अगर पूछा जाए वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या अंतर है, तो आप बता देना वनस्पति जगत में पेड़ पौधे आते हैं, प्राणी जगत में जो जीव जंतु आते हैं। वनस्पति जगत मतलब होता है फ्लोरा, ठीक है, और
ये जो है ना जानवर, इसे फोना बोलते हैं, फोना। ठीक है, और फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसका दूसरा नाम क्या है। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, उसको दूसरा नाम रेनिंग फॉरेस्ट है, मतलब वर्षा वन है। क्या है? वर्षा वन। तो आपसे अगर ये पूछेगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट की खास बातें बताइए, देखिए उसके अंदर हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर आपसे पूछेगा ना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का अनदर नेम क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का दूसरा नाम क्या है, वर्षा वन। ठीक है, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं। अच्छा, इनकी खास बात क्या होती है जो सदाबहार वन होते हैं? डियर स्टूडेंट, इसकी खास बात ये होती है कि ये ना हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये अपनी पत्तियाँ कभी एक साथ नहीं गिराते हैं। ठीक है, इनके पेड़ों की जो लंबाई होती है ना वो 60 मीटर से ऊपर होती है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? तो ये आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। और ये वहाँ पाए जाते हैं जो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की ओर बता रहा हूँ। इसमें जो मेन मेन पेड़ है ना, ये आबनूस, महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड, ये याद रखना। और पर्णपाती वन किसे कहते हैं? देखो नाम में आंसर है, पर्ण मतलब पत्ते, पाती मतलब गिराना। तो जो अपने पत्ते 6 से 8 हफ्तों में गिरा देते हैं ना, उन्हें पर्णपाती कहते हैं। ठीक है, इनके पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा 30 इसके आसपास होती है। ठीक है, और इसके ना दो प्रकार होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं आर्द्र, ठीक है, दूसरा होता है शुष्क। तो जो आर्द्र होते हैं ना, वहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश वाली जगह में पाए जाते हैं, और शुष्क वाले 70 से 100 सेंटीमीटर वाली बारिश में पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछ भी लेता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अब टाइप बताइए। देखिए एक बात और सुनिए, कई बार क्या होता है बच्चे क्वेश्चन याद नहीं रखते, और एग्ज़ाम में वो उनको आता होता है लेकिन उन्हें क्वेश्चन ही नहीं पता होता। तो अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जो आपको नहीं आता, तो जो आपको पता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो भी आपको याद है वो लिख के जरूर आना, कोई भी क्वेश्चन खाली पर छोड़ के आना। ठीक है, तो देखो ये हमारी वनस्पति के प्रकार है सारे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वती वन, मैंग्रोव वन। आप बोलोगे ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ना, ये जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पाए जाते हैं, इनके पेड़ों की जड़ें वो पानी के अंदर होती है। और अगर पर्वतीय वन के बारे में पूछेगा ना, तो आप बता देना जो पर्वतीय वन, जैसे पर्वत के ऊपर हम जाते हैं ना, इनकी आकृति जो है वो शंकु की तरह होती चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, आप ये बता दें कि वनों के क्या लाभ हैं, मतलब जो जंगल होता है उसके क्या फ़ायदे हैं? तो जंगल के बहुत सारे फायदे, से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ठीक है, और ये जीवों के रहने का स्थल होता है, प्राकृतिक संतुलन को बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन याद आता है कि फ्लोरा और फोना में इंडिया रिच क्यों है, इतना हेरिटेज इंडिया का रिच क्यों है? तो आप बताएंगे कि फ्लोरा में कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जो आपके सपोर्ट मीटर में न्यू दे रखा है ना वो आप लिखना। ठीक है, फ्लोरा मतलब समझ में आ गया पेड़ पौधे, और फौना मतलब जो है जीव जंतु। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ भी लेगा कि फ्लोरा और फौना में क्या डिफरेंट होता है। तो फ्लोरा में प्लांट्स आते हैं, फौना के अंदर जो है जीव जंतु आते हैं। ठीक है, प्राणी जगत और जीव जगत। और देखो ये जो था ना क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का है कि यंग फोक क्या था। तो 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को यंग फोक में दाखिला कराना पड़ता था, जो हिटलर ने चलाया था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नास्तिक युवा संगठन में आना पड़ता था, और 18 वर्ष में उसे लेबर सर्विस करनी पड़ती थी। ठीक है, हिस्ट्री का पेज इसमें जुड़ा आ गया ना, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, तो आपको वनों के लाभ पता लग गए, और ये पता लग गया कि भारत में बहुत अधिक संख्या में जीव और पादप प्रजाति संकटग्रस्त क्यों है। अब संकट मतलब मुसीबत में क्यों है बोलोगे? क्योंकि इनका बहुत बड़ी मात्रा में शिकार होता चला रहा है, शिकार होता चला गया है, और सरकार ने भी इस पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। जो व्यापारी थे उन्होंने केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाया, और केवल उद्योग ही उद्योग बढ़ाया, और जंगल काट दिए, जिसकी वजह से बहुत सी प्रजातियाँ नष्ट हो गई। बना बना के मतलब लिख देना ये तो। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट क्या है। इसमें जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, इसमें 70 से 200 के बीच में होती है। ठीक
ठीक है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और ये 6 से 8 हफ्ते में अपनी पत्तियों को जो है ना वो फैल कर देते हैं, गिरा देते हैं। और इनके पेड़ों की जो ऊंचाई वो 60 मीटर से ऊँची होती है, ठीक है, इनकी जो है वो 50 से कम ही होती है, ठीक है, 40 भी ले देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। और फ्लोरा फोना में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्लोरा में जो है वो आपके पेड़ पौधे आते हैं, फोना में आपके एनिमल्स आते हैं, ठीक है। और ये जो कितनी कितनी प्रजातियाँ हैं आपको ये रटना पड़ेगा, ये तो ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहा है नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, बताइए। तो ये देखो आपको ना पता होना चाहिए कि जो रेन फॉरेस्ट में कौन से तो जानवर पाए जाते हैं, और ये मैंने सपोर्ट में जैसे पूरा दिखा दिया था, डेजर्ट फॉरेस्ट में लायन और टाइगर, और जो फॉरेस्ट लैंडस्केप में ये, तो ये सारे के सारे एनिमल्स हैं जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव में सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, ट्री, याद रखना इस बात को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, है तो बहुत सारी चीज़ें, बाकी मैंने थोड़ा थोड़ा जो बताने की कोशिश की है, आप फिर भी अच्छे से कर लेना एनसीईआरटी के क्वेश्चन अंदर से जो जो डेफिनेशंस हैं एक बार रीड आउट कर लेना। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। और टाइम इस तरीके से मैनेज कीजिएगा कि पेपर आपका टाइमली हो जाए, ये मत करना कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उस पर आप ज़्यादा टाइम लगा दो और जब टाइम कम बचे तो 4-4 नंबर वाले को आप अच्छे से लिख ही ना पाओ, ठीक है। तो अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।